मुंबई पुलिस बल के 47 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल कैलाश टेकावड़े ने विरार पश्चिम स्थित अपने आवास में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि कैलाश टेकावड़े मुंबई पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे। वह 2000 में मुंबई पुलिस में शामिल हुए थे। टेकावड़े विरार पश्चिम के जकात नाका में गार्डन कोर्ट बिल्डिंग में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। कैलाश का भाई विलास जो कांदीवली में रहता है दो जुलाई से अपने भाई से संपर्क कर रहा था, लेकिन कैलाश की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आ रही थी। इसलिए गुरुवार को उसने अपने दोस्त को विरार स्थित उसके घर मिलने के लिए भेजा था, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तो पड़ोसियों ने अरनाला पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसी तो कैलाश टेकावड़े का शव हॉल में पंखे से लटका हुआ मिला। आत्महत्या से पहले उन्होंने कोई नोट नहीं लिखा था। संभव है कि उसने दो दिन पहले आत्महत्या की होगी। पुलिस ने कहा कि टेकावड़े के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही समय का पता चलेगा। विरार से तारिक शेख की एक रिपोर्ट।